हमारे देश में लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सख्त रूल बनाए हुए हैं और लड़कियों को के लिए इतने रूल हैं कि उनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी दे तो वो तुरंत उसको सबक सिखा सके कानून के द्वारा। लेकिन आज के वक्त में फेमिनिज्म के आड़ में कुछ लड़कियां ऐसा काम कर बैठती हैं कि इन रूल को चेंज करना चाहिए, ये सोच सभी के दिमाग में आ जाती है। ज़रा याद कीजिए 3-4 साल पहले की रोहतक की 2 बहनों को, ज़रा याद कीजिए जसलीन कौर को, और अब याद कीजिए अमिटी यूनिवर्सिटी को, जो हालिया ताजा केस है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है और सभी के जहन में है। दरअसल मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में हुआ यूँ कि 2 लड़कियां जो कि फोर्ड एंडेवर में बैठी थी, पीछे से 2 लड़के आए अपनी गाड़ी लेकर। उन्होंने अपनी गाड़ी जो है यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर अड़ाई हुई थी ताकि कोई मतलब किसी को उनकी शायद जानबूझकर परेशानी या फिर उनके दिमाग में ऐसा हो कि वो 2 लड़कियाँ इतनी वीआईपी हैं कि वो किसी को भी परेशानी दे सके। जिसके बाद उन 2 लड़कों से उनकी बहस हो गई जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर शांतिपूर्वक जा रहे थे। देखिए बहस हुई, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन लड़कों ने सोचा चलिए इस बहस को अब ख़त्म करते हैं, हमारी गाड़ी तो अंदर आ ही गई, और वो क्लास में पढ़ने चले गए। लेकिन वो 2 लड़कियाँ इस बात को नहीं भूली। तभी उनमें से एक लड़की जो कि बीए साइकोलॉजी की स्टूडेंट है एमआईटी में ही, उसने अपने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया जो भी एमआईटी का ही स्टूडेंट है और वहीं लोकल एरिया का है। इतने देर में उसके बॉयफ्रेंड ने अपने ही गांव के 25 से 30 लड़के बुलाए और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वो रोड और डंडे लाठी लेकर दाखिल हो गए और उन दोनों लड़कों की क्लास में चले गए, जिनका नाम माधव और हर्ष बताया जा रहा है। और वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर से भी बदसलूक की और उस लड़की ने उन दोनों लड़कों को वहाँ पर पिटवाया और उन दोनों लड़कों के माधव और हर्ष की क्लास के भी कुछ लड़कों को चोटें आई और उनको बेरहमी से रोड और डंडों से पीटा गया। लेकिन बदले में यूनिवर्सिटी ने जो कार्रवाई की वो इतना किया कि सिर्फ और सिर्फ लड़की और लड़के को यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट कर दिया और उन दोनों लड़कों की कानूनी रूप से कोई भी मदद नहीं की, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर की यूनिवर्सिटी के मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज सब कुछ कहानी कह रही हैं, और इसके बावजूद उन सीसीटीवी फुटेज को नहीं दिखाया गया। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से कॉलेज भी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कॉलेज को तो जवाब देना ही चाहिए, उनके स्कूल के अंदर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनकी सेफ्टी की क्या गारंटी है। अब जरा कुछ वक्त पहले की बात करते हैं, याद कीजिए कैसे जसलीन कौर जो कि फॉरेन में रहती थी वो दिल्ली आई हुई थी और उसने एक बाइक वाले से उसकी हल्की सी बहस क्या हो गई, उसको मोलेस्टेशन का केस करार दिया और मोलेस्टेशन का केस ठोक दिया। उस लड़के ने सारी डेट अटेंड की लेकिन जसलीन आज तक एक भी डेट पर नहीं आई। वो उस लड़के को अपना बिजनेस छोड़कर हर बार आना पड़ता है, अपनी जॉब छोड़कर आनी पड़ती है, और जो बदनामी वो अलग, लेकिन जसलीन कभी नहीं आई डेट पर। इसके अलावा बात करते हैं रोहतक की उन 2 बहनों की, जिनको तो हरियाणा सरकार ने भी प्राइस दे दिया था कि भाई इन्होंने अपने जिन लड़कों ने इन्हें छेड़ा इन्होंने उस पर बेल्ट बजा दी दरअसल में। और वो जो लड़ाई थी बाद में पता चला एक बुजुर्ग से थी उन लड़कियों की लड़ाई, वो भी सीट के ऊपर। 2 लड़के बेचारे बीच में आ गए कि बुजुर्ग है इनको बैठने दो, तो उन दोनों बहनों ने वीडियो बनवाकर उनमें बेल्ट बजा दी और इसको मोलेस्टेशन का केस करार दिया, और उनमें से एक लड़का जिसका सिर्फ आर्मी का मेडिकल होना बाकी था उसकी लाइफ ख़राब हो गई और उसके नाम पर पुलिस केस हो गया। और बहुत बाद में ये बात पता चली, तब तक वो बहनें तमाम पुरस्कार लूट चुकी थी। पोल जब खुली, जब उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो इसी तरह से एक बहन बेल्ट बजा रही थी और एक बहन वीडियो बना रही थी और उसमें वो उसको वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी। इन सब चीज़ों के बाद भी फेमिनिज्म हमारे देश में किस तरफ जा रहा है ये तो सोचने वाली बात है। फेमिनिज्म कितनों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, इस तरफ सरकार को देखना जरूर चाहिए। और ये जो कुछ इस तरह की धाराएं हैं जो किसी के भी जीवन ख़राब कर सकती हैं उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, वक्त बदला है, कानून भी बदलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।